हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो मुझे ये वीडियो बनाकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं बहुत सालों से यूट्यूब पर हूँ और मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू क्रिएट मेकअप लुक्स एंड इन द इंटरिम आई हैव अक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि ड्राई स्किन टाइप फ्रेंडली होंगे। और मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू अपने मेकअप बेसिक्स बाय ग्लैम एंड ग्लेज सीरीज के थ्रू 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हर दूसरी वीडियो में। आप जाके मेरी पिछली 2 वीडियोस देख सकते हो। और आज की वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है कंसीलर्स को लेके। और यहाँ पे मैंने 5 कंसीलर्स रखे हैं और एक बोनस प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आपको कंसीलर अप्लाई करना है नहीं करना है ये तो सब्जेक्टिव है, और मैं कहीं से भी आपको ये नहीं कह रही हूँ कि जबरदस्ती है। इट्स टोटली योर चॉइस। आई एम हियर टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स टू यू एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। सो हियर वी आर। मैं आपको एक और बात बताऊंगी, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं ठीक मेरी तरह, तो आपको कलर करेक्शन पहले करना चाहिए और उसके बाद कंसीलर अप्लाई करना चाहिए। तो बहुत सालों तक मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करती आई थी। मैक का यूज किया मैंने एलिगर्ल का यूज किया है। एंड यू नो सम हाउ माई प्रेफरेंस हैज चेंज एंड नाउ वट आई फील इज This is sufficient enough for my skin tone. मेरी जो dark circles हैं उसको मैं color correction करने के लिए इस product को use करती हूँ। ये एलेगर्ल का peach color corrector है, तो ये बहुत अच्छे से darkness को cancel out करता है and I love this corrector. Corrector बहुत सारे different variants में आते हैं, जैसे green, purple, yellow. तो आप अपने स्किन के कंसर्न के हिसाब से कलर करेक्टर को यूज करें। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डार्क सर्कल स्पेसिफिकली, सो आई एम रेफरिंग दिस। सो ये बहुत सही प्रोडक्ट है, इसे मैं बार बार यूज करके खत्म कर देती हूँ, तो मैं इसे खरीदती रहती हूँ। इट इज दैट गुड ऑफ अ प्रोडक्ट। आज की तारीख में मेरे पास किसी और ब्रांड का पीच कलर करेक्टर नहीं है एंड आई जस्ट डोंट फील द नीड टू यू नो परचेज फ्रॉम सम अदर ब्रांड। एलेगर्ल का ये प्रोडक्ट मेरे लिए सफिशियंट है एंड आई कीप यूजिंग इट। इट कम्स विद अ ब्रश एप्लीकेटर, लुक समथिंग लाइक दिस। और ये बहुत अच्छा पीच शेड है, लुक समथिंग लाइक दिस, और बहुत सही तरीके से कलर करेक्ट करता है। इसके बाद जब मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट दिखता है, एक ब्राइटेंड इफेक्ट दिखता है और बिल्कुल भी डार्कनेस पीक थ्रू नहीं कर रही होती या फिर ग्रे कास्ट नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट को चेक करना चाहिए। प्लस ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, कभी कभी मैं इसको अप्लाई करने के बाद कंसीलर को अप्लाई करने का नहीं सोचती हूँ। दैट्स व्हाट आई सेड, इट इज सफिशिएंट एनफ। तो अगर आपको कंसीलर्स अप्लाई करने हैं और आपके भी मेरी तरह डार्क सर्कल्स हैं, देन यू शुड कंसिडर अप्लाइंग अ कलर करेक्टर। तो सबसे पहला कंसीलर जो है इस वीडियो में वो ये है। ये सुस ब्यूटी का फुल कवरेज कंसीलर है एंड दिस वन इज इन द वेरिएंट सैंड सेबल। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। मैं मान गई इस कंसीलर को। सुस ब्यूटी, इफ एट ऑल यू आर नॉट अवेयर, इज एन इंडियन मेकअप ब्रांड। आई एम अमेज्ड एट द क्वालिटी ऑफ दिस कंसीलर। बहुत अच्छा फुल कवरेज हाइड्रेटिंग कंसीलर है। अब ये फुल कवरेज हाइड्रेटिंग कंसीलर क्या होता है अगर आप मुझसे पूछो, जो कि आपके डार्क सर्कल्स को अच्छे से कंसील तो कर ही दे पर एकदम ड्राई, क्रस्टी, क्रैकी ना फील कराए आपके आईज पे। और जब इसके ऊपर आप पाउडर लगाओ तो पूरी तरह से आपका ये जो एरिया है एकदम पैची सा ना दिखे। सो ऑफकोर्स इट हैज टू डू अ लॉट विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द कंसीलर प्लस द वे यू आर सेटिंग अप द कंसीलर। सो दैट्स दैट। ये जो एप्लीकेटर है ये भी बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे, बहुत अच्छा कलर पे ऑफ है, आप देख सकते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और बिल्कुल भी ये फील नहीं होता हैवी मेरे अंडर आईज पे। इट जस्ट ग्लाइड्स ऑन सो वेल। बहुत बटरी सॉफ्ट फॉर्मुलेशन है, इजी टू ब्लेंड है। आप स्पंज भी यूज कर सकते हो अगर आपको शेयर कवरेज चाहिए, छोटा स्पंज, या फिर मैं तो अक्सर अपना फिंगर यूज करती हूँ, ये वाला रिंग फिंगर, या फिर ब्रश की मदद से। मेरे पास अमेजोन का ब्रश है या पैक का कंसीलर ब्रश है, वही यूज करके मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड आउट करती हूँ एंड इट लुक्स सो गुड ऑन द स्किन। ये मेरा परफेक्ट शेड मैच नहीं है, 19-20 का अंतर है, पर ये काम करता है। ऐसा एकदम अलग से ब्राइटनड अप, उजला सा नहीं दिखता है मेरे आंखों के नीचे। सो दैट इज अगेन अ रियली गुड थिंग। इफ एट ऑल यू हैव नॉट ट्राइड सिस ब्यूटी, उसके प्रोडक्ट्स आपने ट्राई नहीं किए हैं तो जरूर से कंसिडर करो। वो बहुत अच्छा ब्रांड है इंडीड। हमारे देश में रीजनेबली प्राइज्ड है उनके प्रोडक्ट्स और ये कंसीलर तो लाजवाब है। मूविंग ऑन, मेबलिन एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत सालों से इंडियन मार्केट में है और उनके कंसीलर्स भी बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं इंटरनेट पे। एक कंसीलर है जैसे मेबलिन का फिट मी कंसीलर, वो भी बहुत वायरल हुआ था, पर आज की वीडियो में मैं आपको ये कंसीलर रिकमेंड कर रही हूँ। दिस वन इज इन द वेरिएंट मीडियम। ये मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर है। इट कम्स विथ
स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर जो ट्विस्ट करने से प्रोडक्ट बाहर निकलता है, और आप स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर को यूज करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने उसे रिमूव कर दिया है और मैं डायरेक्टली जब प्रोडक्ट आता तो अपने ब्रश पे लेके अपने आईज के यहाँ लगा लेती हूँ। दिस प्रोडक्ट इज अ फुल कवरेज कंसीलर, मीडियम टू फुल कवरेज आई वुड से, नॉट स्ट्रेट अप फुल कवरेज। और ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये ज्यादा क्रीमी नहीं है, दैट मच आई कैन टेल यू, बट इट डज द जॉब। इट्स नॉट थिक, इट इज अ वेरी यूनिक फॉर्मुलेशन फॉर अ कंसीलर, एटलीस्ट इन माई आईज। इट इरेजेस डार्क सर्कल्स, बट आई डू फील द नीड टू अप्लाई अ कलर करेक्टर बिफोर अप्लाइंग दिस। ओके, तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सालों से मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ और इसे भी अगेन मैं रीपर्चेज करती रहती हूँ। मैं मेकअप लवर जैसे कि मैंने कहा, तो मुझे एक नीड फील होती है कि मुझे ये कंसीलर अपने कलेक्शन में रखना है। इट्स अ स्टेपल इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर आपको मेबलिन का कोई कंसीलर ट्राई करना है एंड यू लव मेबलिन एज अ ब्रांड एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ रियली गुड रिकमेंडेशन, तो मुझे लगता है फिट मी कंसीलर जो है मेबलिन का, वो भी बहुत अच्छा है। उसका शेयर टू मीडियम कवरेज है और ये जो है मीडियम टू फुल कवरेज आपको देगा और आपकी ड्राई स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट करेगा, और इसमें शेड रेंज जो है वो भी बहुत अच्छा है। आई वुड से दिस इज दी बेस्ट कंसीलर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। और ये एनमेल का काइंड एंड फ्री कंसीलर है, नहीं ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, मैंने इसे खुद खरीदा है और इसी को मैंने आज यूज किया है अपने अंडर आईज पे, और मैंने बिल्कुल भी कलर करेक्शन नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने इस प्रोडक्ट को अप्लाई किया है। और सरप्राइजिंगली मैं जब भी इसे अप्लाई करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अंडर आईज कितनी अच्छी और स्मूथ दिख रही है, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा ग्रे कास्ट नहीं दिख रहा होता। ग्रे कास्ट क्या होता है, जस्ट इन केस यू आर नॉट अवेयर, अगर आप डार्क सर्कल के ऊपर डायरेक्टली कंसीलर लगाओगे तो आपको ग्रे कास्ट दिखेगा, आप नोटिस करना। और कितना भी फुल कवरेज कंसीलर हो, अगर आपको ग्रे कास्ट दिख रहा है तो इट इज बेटर टू हैव योर कलर करेक्शन इन प्लेस। ओके, तो ये कंसीलर जो है ये मीडियम टू फुल कवरेज आपको देता है, और इसका जो प्रॉपर्टी है सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, इसका जो अंडरटोन मैंने पकड़ा है, ये मीडियम शेड मैंने लिया हुआ है और ये जो अंडरटोन है बहुत अच्छा है, मेरी मीडियम स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करता है। इट इज सो क्रीमी एंड ब्लेंडेबल। और आज की वीडियो में आपने क्रीमी और ब्लेंडेबल शब्द बहुत ज्यादा सुन लिया होगा, बोर मत हो जाना, हमारी ड्राई स्किन टाइप जो होती है उनको ऐसे ही क्रीमी और ब्लेंडेबल प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जो कि केकी ना फील कराए और एकदम क्रैक ना हो। देखो कोई भी कंसीलर जो है वो 1-2 घंटे तक आपके आईज से बहुत अच्छा लगेगा, आप कितना भी सेट कर लो, वी आर ऑल ह्यूमन, और यहाँ पे मेरे भी फाइन लाइंस है तो वहाँ पे हल्का सा सिंक हो ही जाता है, मेरे तो हो जाता है, मैं कितना ही कुछ ही कर लूँ। एज होती है सबकी और उस हिसाब से कंसीलर भी सिंक होता है, और मेकअप मेकअप है, कीप दैट इन योर हेड। ओके, तो ये कंसीलर जो है आपको मिल रहा है 7 ml का, ये ट्यूब है, मैंने इसे गलती से ड्रॉप कर दिया था, पैकेजिंग टूट गई, तो मैंने इसका जो बाकी का प्रोडक्ट है एक टब में डाल के रखा हुआ है। आई कीप यूजिंग द प्रोडक्ट व्हाट्स अवेलेबल इन हियर, और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है इसके अंदर, बट आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट और मैं इसे रेगुलरली यूज करती हूँ। आपने मेरे ट्यूटोरियल्स में भी देखा होगा, नहीं देखा है जाके मेरे ट्यूटोरियल्स को तो आप जाके प्लीज मेरे चैनल पे देखना मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स को, आई लव फिल्मिंग मेकअप ट्यूटोरियल्स फॉर यू। और ये मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, हमारे इंडियन मार्केट में ये बहुत अच्छा कंसीलर है, 1200 रुपए का आता है इंडिया में। आई वुड से यस, इट इज अ स्टीप प्राइस पॉइंट फॉर अ कंसीलर, पर आपको 50 कंसीलर खरीदने की जरूरत भी नहीं है ना, अगर आपको एक अच्छा कंसीलर मिल जाए जो कि आपके लिए काम करे, आपकी ड्राई स्किन टाइप पे काम करे और केकी ना फील हो, लाइट वेट हो, ब्लेंडेबल हो, क्रीमी हो, तो आई थिंक दिस इज रियली गुड वन। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दिस कंसीलर। तो बहुत लंबे समय से लॉरियल का इनफॉलिबल कंसीलर इन द शेड बिस्किट मैं यूज कर रही हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है ये फुल कवरेज कंसीलर है, आप इसे नो मेकअप मेकअप बेस पे भी यूज कर सकते हो, सिर्फ इसको भी यूज करोगे यू विल बी गुड टू गो, इट इज दैट गुड ऑफ अ कंसीलर। ये जो है मैंने जितने भी कंसीलर्स दिखाए हैं उससे थोड़ा सा थिक है, अब थिक सुन के डर मत जाना, इट इज Not thick in a bad way. It is a really different formulation. बाकी सारे आप देख सकते हो कितने सही दिख रहे हैं, ये आप इसे जब भी apply करो thick and creamy है ये, देखो इसमें देखो ये अंतर है इसके अंदर और बाकी सारे concealers के consistency के अंदर अंतर है, and this is a really good product. ये भी हमारे market में इंडियन मार्केट में बहुत सालों से अवेलेबल है और ये फुल कवरेज कंसीलर है, आपने देखा मैंने कितना सा लगाया और मैंने ऐसे स्प्रेड किया और आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से स्प्रेड हो गया है, एंड इट लुक्स सो गुड ऑन द अंडर आईज। मैं इसे कभी कभी अपने आईलिड पे भी अप्लाई कर लेती हूँ सो एज टू जस्ट
use it as an eyeshadow primer. It works pretty fine. Spot concealing के लिए भी मैं ऐसे use कर लेती हूँ. अब ये पूछोगे आप spot concealing क्या है, तो मेरे जो acne marks है उस पर भी मैं ऐसे apply कर लेती हूँ, थोड़ा सा रुकती हूँ, उसके बाद उसे blender करती हूँ और फिर उसे set कर लेती हूँ, and it works in that way. On the days I don't feel like applying foundation or BB cream, तो उन दिनों भी मैं ऐसे use करती हूँ. आज की वीडियो में जितने भी मैंने concealers दिखाए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा full coverage concealer यही है drugstore में. Having said that, we have come to an end of this video and I have to recommend you this product. Huda Beauty ka ye 4 filter concealer hai in the shade Coconut Flake. Ye mera shade match nahi hai, online liya tha maine, par agli baar agar ye khatam kiya aur main agli baar khareedne gayi to perfect shade match main pick karungi. Ye thoda brightening concealer hai. Ab brightening concealer puchoge to kya hota hai, brightening concealer wo hota hai jo aapke skin tone se light ho, ek do tone light ho, aur jo perfect match hota hai wo aapke skin tone se match karega. To do tarike ke concealers होते हैं. दिस इज हुडा ब्यूटीज कंसीलर. काफ़ी महंगा कंसीलर है, पर आज की वीडियो में मैं एक हाई एंड का कंसीलर भी आपको रिकमेंड करना चाहती थी. आप मानोगे नहीं, मैं एक ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे पास हाई एंड के कंसीलर इसके अलावा आई डोंट रिमेंबर इफ आई हैव एनी, पर ये कंसीलर मैंने खरीदा है क्योंकि ये वायरल था इंटरनेट पे, मैंने इसे खरीदा एंड आई कैन से इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट. अगर आप हुडा ब्यूटी में इंटरेस्टेड हो और आप मुझसे पूछो कि प्रीति हुडा ब्यूटी का ये कंसीलर मैं खरीदना चाहती हूँ अच्छा है या नहीं, देन आई वुड से यस, इट इज़ अ रियली गुड कंसीलर, फुल कवरेज कंसीलर है. और अगेन आप लॉरियल का कंसीलर कंसिडर कर सकते हो अगर आपको इतने पैसे दे के हुडा ब्यूटी का कंसीलर नहीं खरीदना. सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, अपना बजट है. आई एम जस्ट रिकमेंडिंग इट टू यू. If at all your budget suits you, you feel like having it in your collection, yes, you can go for it. Just look at the coverage and this is how the shade looks like. It's a brightening concealer, not my perfect match, but it works for me. I love it. When I say it works for me, उसका मतलब ये है कि मैं जब इसे अपनी अंडर आइज पे अप्लाई करती हूँ तो ये बहुत सही दिखता है और अलग सा नहीं दिखता है कि मेरा जो मेकअप है बेकार लग रहा है. I can make it work is what I am trying to say. It looks good on my skin. I have not seen any kind of creasiness after applying this. Ya heaviness ki yaar kitna zyada concealer laga liya mujhe abhi hatane mein kaun uncomfortable ho raha hai, aisa kuch bhi nahi hua mere sath. So I am happy with this product, quite satisfied, and it is worth purchasing. But ha, only if at all you are willing to have something from Huda Beauty, you are looking out for that, and it's a good concealer for dry skin type girls. तो आज की वीडियो में मैंने अपना कंसीलर का रिकमेंडेशन भी आपके साथ शेयर किया. 5 कंसीलर्स शेयर किए हैं मैंने आपके साथ. पिछली वीडियो में मैंने फाउंडेशन शेयर किए थे और उससे पहले मैंने प्राइमर्स शेयर किए थे. वो सारी वीडियोस आप जाके मेरे चैनल पे जरूर से देखना. और आगे आने वाली वीडियोज में मैं बता दूँ ब्लश और हाईलाइटर इनके बारे में मैं बात करूंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी वीडियोज देखना पसंद है. और अगर आप भी ड्राई स्किन टाइप गर्ल है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं, या फिर मेरा जो मेकअप बेसिक्स बाय ग्लैम एंड ग्लेज वाली सीरीज है उसके अंदर आपको और कुछ देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. एंड यस, जस्ट इन केस यू आर कि मैंने अपना आई लुक कैसे क्रिएट किया, मैं आपको बता दूं. मैंने NYX का वाव काकाओ ग्लो शॉट्स लिक्विड आईशैडो यूज किया है और मैंने ना आज लमेल का ये काजल पेंसिल इन द वेरिएंट ब्राउन यूज किया है और ये समहाउ टूट गया. आई डोंट नो व्हाट्स अप विद दिस, मे बी इट्स सॉफ्ट. I'll keep trying it. Anyway, तो ये मैंने मस्कारा जो यूज़ किया है फ्ला ब्यूटी का लैश वॉरियर मस्कारा यूज़ किया है. लिप्स में मैंने क्या अप्लाई किया मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको. तो लॉरियल का आई एक्सप्लोर लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई किया है और मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया है NYX का ये ग्लॉस इन द वेरिएंट प्रालिन. आई लव द वे माई मेकअप लुक हैज टर्न्ड आउट. ब्लश के लिए मैंने अपना टार 28 का ब्लशर यूज़ किया है इन द वेरिएंट पावर आर. और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया वर्मल का कैंडर फ्री कंसीलर है इन द शेड मीडियम. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.